हेलो पार्टनर, स्वागत है आपका चैनल में। मेरा नाम आकाश और आज हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बात करने वाला हूँ। विथ लॉजिक क्यों आपको फंडामेंटल देखना चाहिए, क्या चार्ट बता रहा है, क्या चार्ट में पैटर्न्स बन रहे, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, मैं आपको इन डिटेल्स और लॉजिक के साथ बात करने वाला हूँ। तो जरूर वीडियो बन रहे ताकि हर एक पॉइंट का जो गहराई से नॉलेज जो है, कोई पॉइंट में कन्फ्यूजन में ना रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। जिसमें फंडामेंटल आपके सामने एनुअल रिपोर्ट ओपन है PFC लिमिटेड के। यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे क्वार्टरली रिपोर्ट। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है गहराई समझ में आए। विथ लॉजिक में समझाना क्या चाहता हूँ आप समझ पाए। अगर देखेंगे तो पर ईयर इसका अगर रेवेन्यू अगर नोट करेंगे तो पर ईयर इसका रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ में चली जा रही है, लेकिन FY 2020 का रिजल्ट अगर नोट करेंगे तो 62,296.79 करोड़ इसका टोटल रेवेन्यू आया हुआ था, लेकिन FY 2021 का अगर रिजल्ट देखेंगे तो 71,706.75 करोड़ इसका टोटल रेवेन्यू आया हुआ है। लेकिन आपको ग्रोथ और एक बाउंस जो है देखने को मिलेगा बहुत शानदार। EBITDA भी देखेंगे तो EBITDA भी पर ईयर का ग्रोथ देखेंगे तो जो शानदार के साथ रन कर रही है। FY 2020 का रिजल्ट देखेंगे तो FY 2020 में इसका EBITDA आया हुआ था 14,117.10 EBITDA इसका नोट किया गया था, लेकिन FY 2021 में अगर देखेंगे तो 19,916.19 करोड़ इसका टोटल EBITDA नोट किया गया, जो कि बाउंस और ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ हम लोग नेट इनकम के बारे में बात करेंगे। नेट इनकम इसका पर ईयर जो है ग्रोथ में चली जा रही है, लेकिन FY 2020 का रिजल्ट देखेंगे तो 7,122.13 करोड़ जो इसका टोटल नेट इनकम नोट किया गया था, जो कि थोड़ा कम था, लेकिन FY 2021 में अगर देखेंगे तो 11,747.83 करोड़ इसका टोटल नेट इनकम नोट किया गया है, जो कि बहुत शानदार है और बाउंस के साथ रन कर रही है। तो इसी तरह से मैं हर रोज़ एक नया स्टॉक के बारे में बताता हूँ जो कि शानदार होता है। अगर EPS के बारे में बात करें तो EPS भी पर ईयर का ग्रोथ देखेंगे तो जो कि शानदार है। 2020 में अगर थोड़ा सा घटा था, लेकिन FY 2021 में अगर देखेंगे तो आपको जो ग्रोथ जो है बहुत शानदार देखने को मिलेगी। 44.50 इसका EPS नोट किया गया, जो कि 2020 में अगर देखेंगे तो 26.98 था, जो उसके बाउंस और जो 2x बाउंस जो है इसको देखने को मिलेगा EPS में। स्टॉक शानदार है, चल चलते हैं क्वार्टर पे। तो हम लोग आए हैं क्वार्टरली रिपोर्ट पे। क्वार्टरली रिपोर्ट पे अगर स्टॉक का कंसिस्टेंसी नोट करेंगे तो कंसिस्टेंसी शानदार है। अगर देखेंगे तो पर क्वार्टर अगर इसका ग्रोथ देखेंगे तो वो ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत शानदार है। लेकिन December 2020 का रिजल्ट देखेंगे तो 18,441.72 करोड़ इसका टोटल रेवेन्यू नोट किया गया था, लेकिन March 2021 में अगर देखेंगे तो 18,164.60 इसका टोटल रेवेन्यू नोट किया गया, थोड़ा सा कम है, बट की कंसिस्टेंसी जो है बहुत शानदार है, एक अपर लेवल इसको ले जाती है। EBITDA का नोट करेंगे तो EBITDA भी पर क्वार्टर इसका ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन EBITDA में एक शानदार आपको देखने को मिलेगा। December 2020 में देखेंगे तो 4,976.95 करोड़ इसका टोटल EBITDA नोट किया गया था, लेकिन March 2021 में देखेंगे तो 5,012.92 करोड़ उसका टोटल EBITDA नोट किया गया, जो कि बहुत शानदार है, बहुत शानदार ग्रोथ के साथ कंपनी रन कर रही है। नेट इनकम देखेंगे तो पर क्वार्टर इसका नेट इनकम जो है एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा कम आया हुआ। December 2020 में देखेंगे तो 2,893.70 करोड़ उसका नेट इनकम नोट किया गया था क्वार्टर में। अगर March 2021 में देखेंगे तो 2,921.87 करोड़ इसका नेट इनकम नोट किया गया, जो कि एक बाउंस और आपको ग्रोथ जो है कंसिस्टेंसी जो देखने को मिलेगा। EPS का नोट करेंगे तो EPS भी है जो है आपको ग्रोथ में देखने को मिलेगा। क्वार्टरली रिपोर्ट पर अगर कोई स्टॉक ग्रोथ दिखा रहा है, इसका मतलब स्टॉक में बहुत ज़्यादा जान है और स्टॉक अच्छे से काम कर रही है। EPS के बारे में बात करें तो EPS भी March 2021 में EPS देखेंगे तो 11.07 इसका EPS नोट किया गया था, लेकिन December 2020 में देखेंगे तो 10.96 इसका EPS नोट किया गया था। EPS भी बहुत शानदार है, स्टॉक क्वार्टरली रिपोर्ट में फंडामेंटल रिपोर्ट में बहुत शानदार है। चलते चलते क्वार्टरली रिपोर्ट के साथ अब चलते हैं चार्ट पे। हम लोग आएंगे चार्ट लगा डे कैंडल पे, यहाँ पे समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है और सप्लाई और डिमांड जोन क्या बन रहा है और चार्ट आपको क्या समझाना चाहता है विथ लॉजिक। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि आपको पूरा पार्ट जो है गहराई समझ में आए और मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आए। तो चलिए फटाफट कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। अगर चार्ट देखें तो चार्ट आपको एक फॉल में दिखेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास जो है स्टॉक घूमा है और घूमने के बाद अगर देखेंगे तो एक सपोर्ट के पास आ रहा है।
120-115 इसका सपोर्ट मान सकते हैं, जो कि एक सपोर्ट हो सकता है, और उस जगह से आके स्टॉक एक बाउंस ले सकता है इस जगह से या फिर 120 से। तो इस जगह के लिए आप वेट करें थोड़ा सा। अगर स्टॉक इस जगह पे आता है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपने अंदाज के साथ, अपने स्टॉप लॉस के साथ। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको इक्वेशन पर्पज़ के लिए समझा रहा हूँ कि चार्ट आपको क्या बता रहा है और फंडामेंटल रिपोर्ट्स क्या आई हैं। अगर वॉल्यूम देखेंगे तो कंपनी का वॉल्यूम जो है स्टॉक में वो बहुत शानदार बन रहा है। वॉल्यूम जहाँ बनता है वहाँ पे आपको एक बाउंस जो है देखने को मिलता है। अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का अगर जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि बढ़ता जा रहा है, और उसका फंडामेंटल जो मैं दिखाया वो भी बहुत शानदार है। तो फटाफट कुछ पॉइंट और नोट कर लेते हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे स्टॉक जो है वो रजिस्ट हो रहा है और फॉल कर रहा है, तो इसी का फ़ायदा उठाना है और हम लोग को एक बेस्ट ट्रेड खोजना है जबकि हम लोग को प्रॉफिट मिल सके और हम लोग जो है एक दूर का नज़र देख पाए। तो स्टॉक को थोड़े दिन के लिए देखें ना कि इंट्राडे के लिए। अगर आप वीडियो को अगर 1000 लाइक करते हैं तो मैं इंट्राडे के लिए वीडियो बना दूंगा कि इंट्राडे में स्टॉक कैसे खोजा जाता है, इंट्राडे में ट्रेड कैसे किया जाता है। बट कि इंट्राडे पहले हम लोग बाद में बात करेंगे, तो हम लोग पहले इस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत शानदार जगह में काम कर रहा है, आप देखेंगे सपोर्ट की जगह में काम कर रहा है, और अगर थोड़ा सा नीचे आता है 1-2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया तो आप अपने ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड लीजिए और ट्रेड में आप प्रॉफिट गेन कीजिए। मेरा मोटिव इतना ही है कि आपको मैं बेस्ट ट्रेड और बेस्ट स्टॉक के बारे में बता सकूं कि स्टॉक का रवैया क्या है, स्टॉक क्या बताना चाहता है, स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। तो चलिए फटाफट कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए, चलते चलते वीकली चार्ट पे। हम लोग हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लाइन मिल लेता हूँ और स्टॉक बार बार इस रेजिस्टेंस को जो है हिट करता है, हिट करता है तो फॉल कर जाता है। बट ऐसा हर बार नहीं होता। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डाउनफॉल का कैंडल ये बना चुका था, यहाँ से आया फिर इस जगह से लेके एक बार रजिस्ट करने के बाद फिर से जो है नीचे के जाने के बाद यहाँ सपोर्ट लेता है और रिकवरी आप देखेंगे तो तुरंत रिकवर करता है बिना कोई रेड कैंडल के, तुरंत रिकवर करता है बिना कोई रेड कैंडल के। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में बायर बहुत ज़्यादा है और स्टॉक का जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो ऊपर ही जाना है। आप रेजिस्टेंस के पास जैसे ही आता है रजिस्ट करता है, बट अगर देखेंगे तो इस टाइम अगर देखेंगे तो जैसे ही रजिस्ट करता है नीचे आता है और जो उसका फिर जो वी से रिकवरी देता है बिना कोई रेड कैंडल के ये ऊपर ही चला जाता है। वीकली कैंडल है और देखेंगे तो यहाँ पे करीब 7-8 कैंडल है जो कि ग्रीन है, एक भी रेड कैंडल नहीं है। तो एक रेड कैंडल बनना बहुत ज़रूरी था, फिर आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो इसी तरह से मैं स्टॉक के आपके लिए खोज के लाता हूँ जो कि आपको बहुत अच्छा देखने को मिले और आप उसमें ट्रेड इनिशिएट कर पाएँ। मैं डे ट्रेडिंग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता क्योंकि डे ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है। आप हो सके कि इन्वेस्ट करके छोड़ दो 10-15 दिन, एक महीना, तो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है और वो भी अच्छी कंपनी में। इस कंपनी का अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है वो 2 रुपया के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत शानदार है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत कम है, फंडामेंटल बहुत शानदार है। तो इस तरह से मैं ट्रेड खोज के लाता हूँ, स्टॉक के बारे में बताता हूँ, फंडामेंटल समझाता हूँ। चलिए चलते हैं मंथली में, और मंथली में डिटेल्स वाइज बात करते हैं। हम लोग गए मंथली पे। मंथली पे देखेंगे तो स्टॉक का हाई था इस जगह पे और इस जगह से जो है 360 और 320 के पास दो हाई था, जहाँ से स्टॉक फॉल करता है और नीचे आने के बाद अगर देखेंगे तो डबल बॉटम का पैटर्न बनाता है और वहीं पे आके होल्ड करता है, जो कि स्टॉक को शानदार बनाता है, स्टॉक को पॉजिटिव माइंड देता है। जैसे ही स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आता है थोड़ा रजिस्ट होता है, बट कि रिकवर भी उतने फास्ट करता है। तो आपको जहाँ आपको अच्छा ट्रेड लगे वहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करें और 120-115 जो है इसका सपोर्ट लेवल है, उस जगह पे अपना साथ अपने एनालिसिस के साथ अपना ट्रेड इनिशिएट करें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आपको बहुत अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे तो आपको जो है लॉस बहुत मिनिमम हो सकता है। अगर मान लो कि कोई गलत ट्रेंड में आप फंस भी जाते हो तो आपका दिन का लॉस का इनिशिएट अगर 2000 है तो आपको 2000 का लॉस होगा, 200000 नहीं हो सकता है। तो अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें, स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड ना ले, या ट्रेड लेने का लॉजिक ढूंढे कि ट्रेड क्यों ले रहे हैं। मैं इसी तरह से लॉजिक के साथ कोई वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको फंडामेंटल और चार्ट के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन दे पाओ, ताकि आपको भी समझ में आए और आपको भी एक दिमाग में बैठे कि हाँ ये क्यों है और ये कैसे हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग।